मनीषा रानी इस समय बिग बॉस के घर में काफी ज्यादा इमोशनल हो गई हैं। इमोशनल होने का उनका मतलब जो है वो कहीं ना कहीं उसी चीज से है कि यार उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, उनको ऐसा लग रहा है। और ये बात एक कुछ हद तक सही भी है कि यार अगर आप जब बिग बॉस के घर में हो तो आप किसी से भी सपोर्ट की उम्मीद नहीं रख सकते हो, पेशाई नहीं रख सकते हो। लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो मनीषा का गेम बहुत अच्छा चल रहा है। और इस दौरान मनीषा जो है वो बात कर रही है, बता रही है कि क्या उनको प्रॉब्लम हो रही है, क्या तकलीफें हो रही हैं, और साथ ही साथ ये बात जो वो कर रही है वो एल्विश यादव से कर रही है। तो आखिर क्या बातचीत हुई है दोनों के बीच में, और ये वीडियो ट्विटर पे इस समय बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूस और मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांगू। अगर देखा जाए तो मनीषा का गेम जो है वो बहुत टॉप नॉच चल रहा है, लोग उनको बहुत पसंद कर रहे हैं। इवन बाहर से मनीषा के जो पापा हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा वोट अपील कर रहे हैं मनीषा के लिए, और उनका भी यही मानना है कि जल्द मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मनीषा को वोट दें। और कल के इस मुकाबले अगर देखा जाए लेटेस्ट वोटिंग काउंट में, लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड में, इस समय मनीषा रानी नंबर वन चल रही है। उन्होंने जिया को पीछे छोड़ दिया है फाइनली, और एक रिकॉर्ड भी बनाया कहीं ना कहीं, लाइक 3 लाख वोट्स उनको ऑलरेडी मिल चुके हैं। अब उससे ज़्यादा भी मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि अभी भी बाकी है भाई, आज का दिन है उनके पास। तो एक हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं मनीषा का गेम अच्छा हो रहा है, लोग उनको और ज़्यादा जानना शुरू कर चुके हैं, हाउस होल्ड नेम बन चुकी है अब मनीषा रानी। तो उनका एक वीडियो है जो वेलविश के साथ डिस्कस कर रही है चीजों को, ये आप देख सकते हो। करते भी हैं या हम रियल में ऐसी हैं तो लोग मेरे को और ऐसे देखेगा, क्या बोल दी, क्या कर दी। तो यहाँ पे लोग आपको डीमोटिवेट करता है, आपको वो नहीं करता कि अरे एल्विश की वो, तो हम लोग ग्रुप में तो हमने बोलते यार एल्विश आप बहुत मस्त है, क्या बोलते हैं, या फिर आप समटाइम बोल देते, वरना हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप जो है उसको भी लोग अप्रिशिएट नहीं करेगा, लेकिन उसमें भी अपने आप को मेंटेन करना। अब मेरे को किसी से बहस हो जाता है, हमको चोट लगता है, हम रोते हैं, हमको बुरा फील होता है, लेकिन अब हम फिर भी इंटरटेन करते रहेंगे। तो ये हम मनीषा रानी नहीं है, क्योंकि ये मेरा रियल लाइफ हम अंदर जी रहे हैं। अब उस दिन शायद हमको किसी भी बात का बुरा लगा, जो हम उस दिन थोड़ा सैड थे यहाँ पे थे अभिषेक के साथ, तो हम एक्चुअल में उस टाइम सैड थे, हमको ये भी नहीं पता कि क्या एग्जैक्ट रीजन था, बट फिर भी कुछ भी बात हमको लगा होगा हम सैड थे उस टाइम। तो जब हम होते हैं, जब हम चुप हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ठीक है आई कांट बी एक्टिव 24 आवर और हम 24 घंटे पक। ये आप देख सकते हो मनीषा इस पूरे कन्वर्सेशन में खुद ही कह रही है कि यहाँ लोग उनको डीमोटिवेट करते हैं, और जो बहुत सारे लोग उनको फेक भी कह रहे हैं बिग बॉस के घर में कि ये जो बातचीत कर रही हैं, जो इनके एक्शन जो है वो फेक है। तो वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा उनको तकलीफ हुई है। इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएगा हमारी कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।